और अब बड़ी खबर है, आज तय हो सकता है यूपी बीजेपी का अध्यक्ष जी हैदराबाद में कार्यकारिणी की मीटिंग के बाद फैसला हो सकता है। 2024 के मद्देनजर संगठन में भी बदलाव संभव माना जा रहा है। बैठक के बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान संभव माना जा रहा है। आज जो मीटिंग हैदराबाद में होनी है उसके बाद ये माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद यूपी को नया बीजेपी अध्यक्ष मिल जाएगा, नाम का ऐलान हो जाएगा। साथ ही 2024 के मद्देनजर भी कई बदलाव संभव है इस मीटिंग में, लेकिन यूपी के लिहाज से भी बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। और साथ ही इस रेस में कौन कौन नाम शामिल है वो भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कुछ ब्राह्मण चेहरे जिनका नाम इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम भी है। कुछ और नाम है जो इस वक्त आप देखिए जरा, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा है, ये पिछड़े वर्ग से है जो अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री संजीव पालियान भी है। यूपी की बात करें तो प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य का नाम भी इसमें शामिल है। ये रेस में जो नाम शामिल है वो इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज ये माना जा रहा है कि तय हो सकता है यूपी बीजेपी का अध्यक्ष इस मीटिंग के बाद, जो हैदराबाद में आज मीटिंग है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि यूपी को बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। इस रेस में कौन कौन नाम शामिल है वो भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं।